Assalamualaikum guys, I'm Arshi Kamran. क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो आज हम लोग जा रहे थे लकी वन, तो मैंने सोचा कि जल्दी से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं और मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूं ईच एंड एवरी मोमेंट जो भी मैंने इंजॉय किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। कराची का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है ये, और आप लोग भी जानते होंगे, कुछ लोग जो कराची में रहते होंगे वो तो ऑब्वियसली जानते होंगे, लेकिन जो कराची से बाहर रहते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा विजिट है लकी वन का। इट्स अ बिगेस्ट मॉल आई मस्ट से, और यहाँ पर बहुत से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैरायटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये कि अभी तो विंटर क्लियरेंस सेल चल रही है, तो आप लोग देख रहे होंगे हर जगह आप लोग को बैनर्स मिलेंगे 50%, 40%, 70%, अप टू 70% ऑफ है। तो बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसी सेल में अपना थोड़ा सा काम चला लूं और सलमान की थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। अच्छा, सेल तो लगी हुई थी लेकिन यहाँ की डेकोरेशन भी जो है ना बहुत ही अच्छी हुई थी, विंटर के लिहाज से बहुत ही अच्छी हुई थी। सलमान बहुत फैसिनेटेड हो रहा था, तो सलमान ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी इन्जॉय किया। तो थोड़ा सा ना बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा सा इन्जॉय करना लाइफ को चाहिए। और अगर भले से आप लोगों को नहीं भी लेना हो ना कुछ, फिर भी आप लोग निकल जाएं, थोड़ा सा दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है अगर आप लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स चले जाते हैं, तो अपने आप ही दिमाग बिल्कुल बूस्टअप हो जाता है, एनर्जी फिर दोबारा से रिन्यू हो जाती है। और इस तरह की कार्स वगैरह वहाँ पर चल रही थी बच्चों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, तो सलमान भी ये चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो सलमान खुश हो जाए और फिर मेरा भी टाइम अच्छा से गुजर जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो स्टेयर्स हैं यहाँ पर काफ़ी रश होता है, यहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर परमिशन नहीं है बैठने की, और मोस्टली यहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं तो यहीं पे ही पब्लिक जो है बैठकर एंजॉय कर रही होती है। न्यू ईयर हो गया और 14 अगस्त हो गया, जितने भी इवेंट्स आते हैं वो यहीं पे इनके फंक्शंस होते हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है ये भी, तो यहीं पर बैठ कर सब लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हम लोग पिक्चर्स वगैरह के लिए भी अगर मास्क उतार रहे थे तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इन लोगों ने कि मास्क नहीं उतारना, और जाहिर सी बात है आवाम इतनी आई हुई थी तो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि मास्क ज़रा सी भी देर मूव किया जाए, और या फिर आप विदाउट एनी परमिशन आप कहीं पे भी इस तरह नहीं घूम सकते। और ये यहाँ पर बहुत प्यारी सी बस नज़र आ रही थी, तो सलमान बाकायदा इसको देखे जा रहा था, और सलमान बहुत छोटा था इस वजह से मैंने इसको बिठाया नहीं कि खुदा ना खास्ता गिर बैठ ना जाए, लेकिन इसके अंदर ना वॉलंटियर्स बैठे हुए थे कि वो बच्चों का टेक केयर कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता कहीं इनकी चोट ना लग जाए ना इसमें से गिर ना जाए। तो यहाँ पर वॉक इजी की भी शॉप है और बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है, यहाँ पर वेडिंग आइटम्स भी हैं और पर्स वगैरह भी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, तो एस्केलेटर से हम लोग को ऊपर आना था और फिर उसके बाद इतना कोई ड्रामा क्रिएट हुआ ना, क्योंकि मेरी जो कज़न मेरे साथ थी उसको इतनी आदत नहीं है एस्केलेटर पे चलने की, तो बहुत ही सीधी सादी वो लड़की है, तो मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा और फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ी सी हिम्मत दिलाई कि भाई सब लोग देख रहे हैं उसको, और फिर एट द एंड वो इसी तरह आगे खड़ी हुई है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाई। जनाब फाइनली इसने हिम्मत कर ली थी और ये फिर मेरे साथ एस्केलेटर पे चलने के लिए तैयार हो चुकी थी, और फाइनली हम लोग का मिशन भी कंप्लीट हो गया था और ये मैं इसको लेकर एस्केलेटर से ऊपर तक पहुंच गई थी सही सलामत। तो फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर उसके बाद हम लोग एक और आउटलेट पे गए, तो ये सफ़ायर का आउटलेट था, और यहाँ पर मैं जो चीज़ें देख रही थी वो मैंने अपने लिए भी देखी, और काफ़ी बड़ा सा आउटलेट बना हुआ था ये, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सोबर और कितने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर डिज़ाइन थे। जो है पीस जो है मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने लिया नहीं, एक्चुअली इसका फैब्रिक बहुत पतला सा था तो इस वजह से मैंने सोचा कि यही डिज़ाइन मैं किसी और फैब्रिक में बनवा लूँगी। अच्छा, ऐसी जगह पर जाने से ना ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ना एक तो फैशन का पता चल जाता है कि कौन सा अपडेट है, दूसरा ये पता चल जाता है कि जो है ना इसमें जो डिज़ाइंस वगैरह आए हुए होते हैं आप अपने मुताबिक का फैब्रिक लेकर उसके ऊपर आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। मैं ऑनेस्टली यही करती हूँ कि मैं जिस तरह जाती हूँ तो मुझे कपड़ा वगैरह समझ में नहीं आ रहा था या फिर कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं
वही डिज़ाइन फिर किसी और फैब्रिक में बनवा लेती हूँ तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। और फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट शर्ट्स देख रही थी और ये बहुत अच्छे फैब्रिक में थी और ये जो शफून टाइप का फैब्रिक था और ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही चीज़ जो है ना मैं अब जो है इंशाल्लाह सिल्क में बनवाऊंगी और मेरे पास सिल्क रखी हुई है तो मैं उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का डिज़ाइन करवाया। तो अब हम लोगों ने मूव किया आगे और यहाँ पर हम जा रहे हैं बच्चा पार्टी की तरफ और क्योंकि सलमान को भी थोड़ा सा एंटरटेन करना था, सलमान की मतलब की चीज़ें भी उसे दिखानी थी। तो फिर हम लोग ने बच्चा पार्टी की तरफ मूव किया। ओ सलमान को यहाँ पर टेडी बियर मिल गया था और वो उसको स्टेयर करने लगा था कि भाई मुझे ये चाहिए। और बकायदा मैं जब और यहाँ पर हम लोग बच्चा पार्टी की तरफ आ गए हैं और अब हम लोग ले रहे हैं बच्चा पार्टी के अंदर एंट्री। तो सलमान अपनी जगह पर आ गया है, अपनी मतलब की जगह पर आ गया है और सलमान को अब दिख गए हैं टेडी बियर्स। टेडी बियर्स का इतना दीवाना है माशाल्लाह मेरा बच्चा। तो मैंने सोचा है कि ये जो टेडी बियर्स उस वक्त तो मैंने लिए नहीं थे तो फिर मैं बाद में जाकर अब मैं ले आऊँगी। अव्वल तो सलमान का जो ये एक शौक़ जो है वो टेम्परेरी होता है कि कोई चीज़ पसंद आए और फिर उसके बाद घर में लाकर वो रिटायर कर दी जाती है। तो बहरहाल फिर भी मैं लेकर आऊँगी सलमान के लिए जो इसको पसंद आ रहा है। और ये काफ़ी देर तक इसकी तरफ ये मुतवज्जा होता रहा और ये इसी के पास खड़ा हुआ था बहुत देर से। तो फिर उसके बाद मैंने आगे मूव किया और यहाँ पर ये मज़ेदार बॉल मिल रही थी सलमान से ज़्यादा तो मुझे अच्छी ये लग रही थी। लेकिन सलमान को ना बिल्कुल टच से मस नहीं होना था अपने टेडी बियर्स की तरफ से। तो बहुत ही अच्छी शॉप थी ये और यहाँ पर बच्चों की चीज़ें भी मिल रही थी, बच्चों के यहाँ पर क्लोथ्स भी मिल रहे थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। तो मैंने ये देखे थे कि ना यहाँ पर विंटर और समर्स का दोनों का स्टफ़ था तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी समर की तरफ क्योंकि अब जो है समर आने वाली है तो इस वजह से मैंने देखा कि यहाँ पर टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही थी लेकिन सलमान के नाप की नहीं थी तो इस वजह से मैंने ली नहीं। बड़े बच्चों की थी, सलमान के नाप की नहीं थी या तो बहुत ही छोटे बच्चों की थी, यहाँ तो बहुत ही मतलब नॉर्मल एज की थी, सलमान के नाप की नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जीन्स थी लेकिन मुझे जो है ना टी शर्ट्स चाहिए थी सलमान के लिए। अक्सर औकात यही होता है कि कहीं पे भी बच्चों को लेके जाते हैं तो वो कुछ टी शर्ट पे गिरा देते हैं तो फ़ौरन से उसको चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं टी शर्ट ज़्यादा लेती हूँ और शर्ट्स वगैरह भी ज़्यादा लेती हूँ। तो उसका मैं देख रही थी कि उसकी वैरायटी थोड़ी सी दिख जाए और सलमान के नाप की मुझे मिल जाए। अच्छा ये मुझे ना बड़े बच्चों की बहुत अच्छी लग रही थी, चेक वाला जो है ना स्टफ़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो लेकिन सलमान के नाप का नहीं था एज़ यूजल। जैकेट्स की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी तो सलमान की तो मैं जैकेट ले चुकी हूँ और वैसे भी विंटर्स वगैरह जा रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट विंटर्स में सलमान और मज़ीद बड़ा होगा तो इस वजह से लेना अभी फजूल था। लकी वन की बेसिकली यही बात होती है कि यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी होती है। आप लोग जब जाएंगे ना तो देखेंगे कि इन लोगों की हर चीज़ का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, हर ब्रांड यहाँ पर बहुत उम्दा किस्म का है, सारे ब्रांड्स आप लोगों को मिलेंगे। और बच्चा पार्टी की तो बेसिकली फेमस है बच्चों के कपड़ों के लिए, किड्स के कपड़ों के लिए, किड्स के सारे स्टफ़ के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों की चीज़ें भी मिल रही थी तो बर्थडे पार्टी की चीज़ें मिल रही थी, बच्चा पार्टी एक्चुअली नाम है तो क्यों ना यहाँ पर पार्टीज़ की चीज़ें भी अवेलेबल थी।
तो यहाँ पर जो है काफ़ी यूनिक चीज़ें मैं देख रही थी, बच्चों की यहाँ पर टियारास नज़र आ रहे थे मुझे, स्ट्रॉज नज़र आ रही थी, हर किस्म की थीम की जो फेमस थीम्स होती हैं उसकी उसके मुताबिक यहाँ पर तमाम चीज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्थडे जब सलमान की आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं यहीं से शॉपिंग करूँगी। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर करके जा रही हूँ ताकि मैं जो है ना फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह फिर लूँगी। बच्चा पार्टी बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि सलमान ही अब हुआ है, तो इस वजह से फिर मुझे अब ज़रूरत पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की चीज़ों की और उनकी नॉलेज की कि कौन सी चीज़ें जो है बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, कौन सी चीज़ें मेंटल ग्रोथ बढ़ाएंगी। तो मैं टॉयज ऐसे लेती हूँ सलमान के लिए जो है उसके लिए इंटरेस्टिंग रहे, कलरफुल रहे, तो वही मैं यहाँ पर सर्च कर रही थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉयज थे यहाँ पर। मैं ना एक्चुअली सलमान के लिए हॉर्स ढूंढ रही थी क्योंकि हॉर्स जो है ना आजकल बहुत सलमान को अच्छा लगने लगा है और मोस्टली उसकी पोएम्स वगैरह आती हैं तो ना उसको बड़ा इंटरेस्ट होने लगा है हॉर्स का। तो यहाँ पर हॉर्स नहीं था, बहुत मैंने सर्च किया तो जो वो वुडन हॉर्स होता है वो मुझे चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। और बाकी चीज़ें यहाँ पर सब अवेलेबल थी, चॉइस भी यहाँ पर मौजूद थी, पार्टीज़ का सामान भी यहाँ पर मौजूद था और स्टेशनरी का सामान भी यहाँ पर मौजूद था, सॉफ्ट टॉयज भी मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज भी मौजूद थे, कपड़े भी यहाँ पर थे। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा सा जो है ना एक बच्चों के लिए के सामान की सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी और अच्छा सा इन्होंने एक ब्रांड बना दिया बच्चा पार्टी के नाम से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर इंफॉर्मेटिव बुक्स भी थी बच्चों के लिए ना। सो दैट वॉज द बच्चा पार्टी ब्रांड। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो फिर मैंने और चीज़ें अपने लिए सर्च करना स्टार्ट करी। अच्छा, हम लोग को ये नहीं पता था कि जो है यहाँ पर फूड कोर्ट बंद है, तो हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, हम लोग इतना घूमे थे तो हम लोग को भूख लगने लगी थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि कोविड की वजह से यहाँ पर फूड कोर्ट बंद कर दिया गया है। तो हम लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ पर सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग वंडरलैंड में, और वंडरलैंड जो है एक प्ले एरिया है बच्चों के लिए और डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लोगों के लिए यहाँ पर राइड्स रखे गए हैं और बहुत ही इंटरटेनमेंट वाला एरिया है ये। और फिलहाल तो हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे थे डाइनिंग एरिया, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर डाइनिंग एरिया ख़त्म कर दिया गया है, ये चीज़ मैं भूल चुकी थी। और वहाँ पर जाकर मुझे याद आया कि डाइनिंग एरिया तो है ही नहीं और यहाँ पर फूड कोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी यहाँ से बाय करके नीचे जाकर खा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यही किया कि यहाँ से बाय करके और हम लोगों ने नीचे ले जाकर पार्सल फिर हम लोगों ने वो खाया। और जब तक फिर मैंने सलमान को यहाँ पर थोड़ा एंटरटेन किया क्योंकि बहुत लाइटनिंग देखकर सलमान बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राउंड स्टेयर्स भी हैं, इसके थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं ऊपर, जिसको एस्केलेटर से मसला होता है। वो चीज़ मैंने अपनी कज़न को जो मेरे साथ थी मैंने उसको दिखा दिया कि आइंदा जब आओ तुम तो उन स्टेयर्स के थ्रू आ जाना। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर देखी जैकेट्स जिसकी तलाश में मैं थी और मुझे अपनी पसंद का यहाँ पर कलर भी मिल गया था, तो वो चीज़ मैं देख रही थी। लेकिन यहाँ पर फिर अगेन यही बात आती है कि फिर मैंने ज़िबर वाली मुझे चाहिए थी और इसमें ज़िबर वाली नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने स्किप कर दी। और वैसे भी विंटर्स जा रही हैं तो फिर मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट विंटर्स में ज़िंदगी रही तो फिर मैं अपने लिए अच्छी सी एक जैकेट फाइंड करूँगी और फिर मैं वो लूँगी।
और फिर उसके बाद हम लोगों को मिल गया था एक कार्ड और उसके अंदर हमने सलमान को शिफ्ट कर दिया था, और क्योंकि सलमान भी चलते चलते थक गया था और फिर उसके बाद इसमें बैठकर वो बहुत एंजॉय कर रहा था। मोस्टली यही होता है कि जब मैं किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाती हूँ या फिर ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ तो मुझे अगर कार्ड मिल जाता तो वो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है और सलमान के लिए भी कुछ अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर शॉप मुझे दिखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोग लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। इसका नाम है मैग्नी टेप। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्लोरिया जीन्स यहाँ पर रेस्टोरेंट देखा और बहुत ही ज़बरदस्त ये डेकोरेट हुआ हुआ था और कुछ लोग आकर भी बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी आई थिंक डाइनिंग नहीं है, हम लोगों ने देखा नहीं। और यहाँ पर जो है मेकअप सिटी आ गया है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हर ब्रांड के यहाँ पर मेकअप्स अवेलेबल हैं और आप लोग देख रहे होंगे 40% सेल भी है किसी ब्रांड के ऊपर। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ग्लासेस से लेकर आप मेकअप, ज्वेलरी और बूट्स, जितने भी चीज़ें आप लोग लेना चाहें यहाँ से तमाम चीज़ें मिल सकती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मैं तो अभी कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर विंटर क्लियरेंस सेल चल रही है। तो अब हम लोग चले थे कारफोर की तरफ और कारफोर के लिए भी हम लोग एक कार्ट मिल गया था। तो यहाँ पर जो है बाउल देख रही हैं अम्मी और विदाउट यहाँ पर ब्रांड्स चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोग ग्रॉसरी वगैरह जहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर जार्स मिल रहे हैं शुगर सॉल्ट वगैरह के लिए और मसाला जात के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके जार्स मिल रहे थे। और यहाँ पर मैं कुछ शर्ट्स देख रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर शर्ट्स मुझे दिखीं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हुडीज़ मिल रहे थे और अच्छे खासे डिसेंट डिज़ाइंस में मिल रहे थे। तो इससे पहले मैं यहाँ से लेके जा चुकी हूँ कुछ शर्ट्स, यहाँ से लेके जा चुकी हूँ। फुल स्लीव्स की यहाँ पर शर्ट्स मिल रही थी और हाफ़ स्लीव्स की भी मिल रही थी, लेकिन हाफ़ स्लीव्स वालों का ना स्टफ़ इतना अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर विंटर्स के लिहाज से जो क्वालिटी थी वो बेस्ट मिल रही थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, ये जो स्लीवलेस वाला हुडी जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, और मैंने इसके प्राइस भी देखे और मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था ये। तो इस ये आप लोग देख रहे हैं इसका स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और वैसे तो अभी विंटर चल रही है तो उसके लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी और हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिल रही थी। तो ये देख रहे होंगे आप लोग हाफ़ स्लीव्स की जो थे ना वो उनका स्टफ़ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिल्कुल रफ़ सा स्टफ़ था, और मेरे ख़्याल से जो विंटर्स की यहाँ पर जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था। फिर हम लोग आ गए थे बेकरी आइटम्स की तरफ और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही थी और केक्स भी आप लोग देख रहे थे, केक्स हम लोग को लेना नहीं था तो आप लोगों को मैंने जस्ट रिव्यू करवाया। और स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ से लिए, पिज़्ज़ा के स्लाइस यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। अच्छा, अगर आप लोग आएंगे ना तो यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइस बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई भी होती है तो बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइस, बहुत ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइस मिलता है। तो वैसे तो आउट ऑफ टाइम हो गया था हम लोग को, तो इस वजह से फिर हम लोग नीचे डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं अब, और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत डिसेंट सा एनवायरनमेंट था और काफ़ी फैमिलीज आई भी थी यहाँ पर। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बर्थडेज़ भी अरेंज करवा सकते हैं, और यहाँ पर किसी की भी ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी, बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट किया हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डाइनिंग किया, फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। सो गाइज, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग तो थम्सअप दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।